अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक। और जी आज है हमारी फर्स्ट सहरी। वैसे टाइम हुआ है 1:10 हो चुके हैं और मैं गई थी अपनी मामा के घर और मैं आ चुकी हूँ घर पर और यहाँ मेरा बैग वगैरह रखा है, अभी मैंने इसको खाली वगैरह करना है। और यहाँ पर हमारे शाहजैन हैं जो कार चला रहे हैं यहाँ पर। और ये हमारा कुछ किचन का हाल है, अभी मैंने छोले वगैरह उबाले थे, उनकी शॉपर्स वगैरह बनानी है, इनको हमने फ्रीज करना है चाट वगैरह के लिए। और यहाँ पर शाहजैन ने सामान बिखेर रखा है अपना। वैसे यहाँ पर जो बिखरा हुआ सामान है वो शाहजैन की टॉयज़ हैं, शाहजैन के टॉयज इसी तरीके से बिखरे रहते हैं। मैंने अभी कुछ बैग्स ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किए शाहजैन के टॉयज के लिए, जैसे ही आएंगे मैं आप लोगों के साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी। और ये देखें, शाहजैन के ज़्यादातर टॉयज मेरे ड्रॉज में रखे होते हैं। और अभी मैंने टीवी ऑन करके देना है, शाहजैन टीवी देखेंगे, मैंने सैरी की तैयारी करनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। और चलिए शाहजैन को टीवी वगैरह ऑन कर देते हैं, फिर मैं अपनी सैरी आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने अभी क्या करना है। और शाहजैन अभी देखें ये क्या कर रहे हैं। आते ही शाहजैन ने दूसरे टॉयज़ वगैरह निकालना शुरू कर दिए हैं। और ये देखें, शाहजैन ने कल एक न्यू टॉयज़ निकलवाया था जो कि शाहजैन को अभी टॉय गिफ्ट आया है। शाहजैन उम्रे पे से आए थे तो शाहजैन का गिफ्ट था ये, तो शाहजैन ने इसको भी ओपन करके सारी चीज़ें इस तरीके से इसकी गुम कर दी हैं। ये देखें, कुछ यहाँ पे ब्लॉक्स यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ ऊपर पड़े हुए, कुछ कहीं पड़े हुए, इस तरीके से ही करते हैं। शाहजैन बहुत तंग करते हैं, शाहजैन अपने टॉयज़ को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। वो देखें, एक तो वहाँ पड़ा हुआ है नीचे। यहाँ पर मैं जो कर रही हूँ वो इस प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं रखूँगी ये रोटी के पेड़े ताकि ये चिकने रहें। ठीक है जी, आई थिंक यही है रोटी के पेड़े, हाँ ठीक है, इसको हम साइड में कर देंगे। और अब हम बनाएंगे ये पराठों के जो मतलब पेड़े होते हैं वो बेल के हम रख लेंगे पैरी के लिए। मैं इन्हें पहले से इसलिए बेल के रख रही हूँ क्योंकि सैरी में टाइम कम होता है और गैस भी देर से आती है, तो जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो, बस हम जल्दी से बेलें और पराठे और रोटियाँ तैयार हो जाएं। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको बेल के ऑयल लगा के रख लेंगे। ये हमारी बेल चुकी है और मैं अब इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं घी की जगह इसमें ऑयल क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑयल ही सही लगता है पराठों पे, वो घी नहीं खाते। तो ऑयल हम जितना अच्छा बनाएंगे वो उतना अच्छा पराठा नीचे से इसकी लेयर्स खुलें। और इसके ऊपर जो मैं आटा है वो ऊपर से डाल दूँगी, इससे ये होगा कि जब हम आटे मतलब पराठा सेकेंगे इसके ऊपर की जितनी लेयर्स हैं वो सब खुल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड से कट करेंगे। देखें, ये हम इसको कट लगा रहे हैं, ये देखा आपने, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, ऐसे 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 करके फोल्ड कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, ऐसे फोल्ड किया और ये देख रहे हैं, इसको ऐसे 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 को भी हम इसके अंदर ऐसे रखते हैं। और दूसरे वाले को भी हम इसी तरीके से बेल लेंगे और जल्दी जल्दी मैं इसको बना लूँगी। ठीक है, और ये फिर हम दूसरा पराठा बनाएंगे इस तरीके से, इसको ऑयल डालेंगे। ठीक है, और अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस काटेंगे। ऐसे ऐसे और ऐसे इसके ऊपर एक के ऊपर एक को रख के, ठीक है, हमने सारे जमा कर लिए। इसको मैं रैपिंग जो शीट होती है ये इससे कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और ये मेरी रैपिंग शीट भी जो है ना ख़त्म होने वाली है, मंगानी है मैंने दूसरी। हम रैपिंग शीट से इसको कवर कर देंगे इस तरीके से। ठीक है,
पहले हम रैपिंग शीट निकाल लेते हैं। अच्छी तरीके से हम इसको कवर करेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। और जब हमने रोटी बनानी होगी और पराठा बनाना होगा सैरी के टाइम, तब हम इसको। और जी यहाँ पे हो चुका है तहज्जुद का टाइम, टाइम हो रहा है हमारा 3 बज रहे हैं, तो मैंने कहा तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लेते हैं। तो बस ये तस्बीह भी मैंने साथ ही रख ली है, और आप लोग भी मेरे साथ शेयर करें कि आप लोग नमाज़ के बाद, तहज्जुद की नमाज़ के बाद क्या पढ़ते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज़ के बाद जो पढ़ती हूँ वो अस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, और अस्तग़फ़ार की तो कसरत हमें लाजमी करनी चाहिए। और मैं आप लोगों को भी कहूँगी, रमज़ान का महीना है, हमें जितनी तौबा कर सकें, जितनी हम अस्तग़फ़ार कर सकें अल्लाह पाक से, उतनी बहुत अच्छा है कि ये महीना बहुत ही बाबरकत है। तो इस महीने को ज़ाया ना होने दें, बिल्कुल भी अपने टाइम को ज़ाया ना करें, नमाज में, कुरान में, अल्लाह की तिलावत में टाइम लगाएं। और अल्लाह पाक के सामने जब हम खड़े होते हैं तो अपनी जो भी बातें होती हैं वो हम अल्लाह से करते हैं, और अल्लाह हमारी सुनता भी है। बंदों से बातें करने से बेहतर है अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से अपना रابطہ मज़बूत बनाएँ। तो आप लोग भी अल्लाह से अपना रابطہ मज़बूत बनाएं, अस्तग़फ़ार की कसरत करें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें, और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। चलें पहले नमाज़ को अदा कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, सैरी बनाएंगे। और सैरी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं सैरी के अंदर क्या बना रही हूँ। एक तो मैं पराठे बना रही हूँ, और दूसरा मैं खाने में मतलब जो सालन होगा वो क्या है वो मैं पहले से तैयार कर चुकी हूँ, मगर मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी मैंने क्या बनाया। यहाँ पे मैं रोटियाँ बना के रख रही हूँ, पराठे मैं गरम गरम बनाऊँगी, जब ये आ जाएंगे तो फिर हम उसी टाइम पे गरम गरम पराठे बना लेंगे। अभी मैंने कहा चलें जी रोटी बना के सेट कर लेते हैं थोड़ी देर में। इसको मैं हाथ से घुमा घुमा के इसको सेक लूँगी, क्योंकि जब रोटी भी मतलब इसके बबल्स वगैरह आ जाते हैं तो ये अच्छी सिक जाती है, तो रोटी हमेशा अच्छी बनती है। अगर आप लोग भी फूली हुई रोटी गोल गोल बनाना चाहते हैं तो रोटी को हमेशा यहाँ से सिकने दिया करें। रोटियाँ मेरी तैयार हो गई थी, तो यहाँ मैंने चढ़ा दी थी सैरी के लिए चाय। मैं जल्दी से चाय को रेडी कर, मेरे हस्बैंड को चाय में चीनी बिल्कुल परफेक्ट पसंद है, कम बिल्कुल भी उनको अच्छी नहीं लगती, और चाय का टेस्ट भी पकी हुई हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे उन्हें जो एक उबाल की चाय आती है वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं इसको पहले से ही पका के रखी हूँ, ताकि जैसे ही आए तो फ़ौरन से हम गर्म करके सैरी कर लें, क्योंकि सैरी का जो टाइम है अभी 3:30 बज चुके हैं। वैसे हमारे इधर सैरी का टाइम 5:15 तक ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ चाय का कावा रेडी हो चुका है, इसमें हम डालेंगे दूध। और ये देखें जी हमारा दूध थोड़ा सा नीचे गिर गया है। दूध जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है नूरपुर। अब आप लोग कह रहे होंगे इतनी सफ़ेद क्यों है, तो अभी ये पकेगी तो पकते पकते इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा और चाय बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी हमारी। इसको हम थोड़ी देर हल्के चूल्हे पर रख देते हैं, पकती रहेगी खुद ही। यहाँ पे ये आ चुके हैं, और आने के बाद यहाँ कुछ सामान लेके आए, कुछ ये सामान मैंने मंगवाया था इनसे जो कि मेरे पास ख़त्म हो गया था। और ये कुछ गरमा वगैरह नहीं बल्कि खरबूजा है, और किन्नो है, दही वगैरह मंगाया था, शाहजहान का पैम्पर मंगाया था। तो चलिए जी इन सामान को अपनी जगह पे पहुँचा देते हैं, और अब सैरी को हम बना लेते हैं और खा लेते हैं। और ये हमने पराठे को बेल लिया, और यहाँ पर मैं सेक लूँ, जब तक सिक रहा है हम दूसरे पराठे को बेल लेते हैं। हमारे ब्लॉग को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक दूँगी, आप उसको जाके फॉलो और लाइक कर लें। इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। पराठा जब तक करारा ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता पराठे में, तो जितना अच्छा हम इसके अंदर ऑयल डालते हैं उतना अच्छा ही करारा होता है पराठा। और ये देखिए मैं इसको अच्छे से ऑयल डाल दूँ ताकि ये अच्छा करारा हो जाए। इसको
हम उसमें से निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारा जबरदस्त सा पराठा रेडी हो गया। हमने कटिंग करके पराठा बनाया है, ये देखें इसकी कितनी सारी लेयर्स इसमें खुल गई हैं। ये जो हमने कटिंग किया था ये उसकी वजह से ये पराठा खुल गया है। और ये देखें सारी लेयर्स इसमें अलग अलग नज़र आ रही है। हमारा ये पराठा बहुत मतलब सहरी में बनाया है वो है चिकन कढ़ाई, इसको हम कवर कर देते हैं वरना ये ठंडी हो जाएगी। और पराठा भी रेडी हो चुका है, चिकन कढ़ाई भी रेडी हो चुकी है और हमारे किचन का कुछ ये हाल हो चुका है। और साथ में ये देखिए चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है, कढ़ाई की जो कढ़ाई थी वो मैंने पानी में भिगो ली है। अभी सैरी करने के बाद इसको वॉश कर लूँगी मैं। रूम में सैरी लेके आ गई थी, हम लोग रूम के अंदर ही कर रहे हैं। मैंने दस्तरखान बिछा के उसके ऊपर सैरी लगा दी थी और यहाँ सैरी करते हुए शाहजैन देख रहे थे टीवी, उमर हाला। तो शाहजैन को ये वाला चैनल अच्छा लगता है, शाहजैन वीडियो वॉच कर रहे थे और हम लोग सैरी कर रहे थे। और मैंने रोटी के साथ कढ़ाई को खाया क्योंकि मैं पराठा वगैरह नहीं लेती सैरी के अंदर। सैरी का टाइम ख़त्म होने में कुछ देर रह गई है और यहाँ पे ऐलान हो रहा है कि टाइम ख़त्म होने में सिर्फ कुछ देर है। और यहाँ पे मैंने जानमाज़ वग़ैरह वॉश करवा के रखे थे, ये थोड़े गीले थे मगर मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, अभी सूख जाएंगे तो हम इनको भी रख दें। इसको मैंने यहाँ से हटा लिया क्योंकि यहाँ पे कबूतर वगैरह ऊपर बैठते तो नीचे पोटी कर देते हैं कपड़ों पे भी, तो इसलिए यहाँ पे लाके हमने यहाँ पे रख दिए हैं। और बस फजर की अजान हो जाए तो नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे और किचन मैंने क्लीन कर दिया है। ये कढ़ाई रह गई है, इसको हम थोड़ी देर में वॉश करके फिर सो जाएंगे और चलते हैं बाहर। और यहाँ पर शाहजैन देखें मेरी चादर को तय बनी हुई थी इसको खोल के चले गए, इसको हम दोबारा तय बना लेते हैं और वज़ू कर लेते हैं, नमाज का टाइम होने वाला है। और शाहजैन बाबा सो चुके हैं, माशाल्लाह से फजर की अजान स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखें जी बाहर बच्चे वगैरह खेल रहे हैं रोड पे, अजान सारी मस्जिदों की स्टार्ट हो चुकी है। सब जा रहे थे मस्जिद नमाज़ पढ़ने, फजर की नमाज़ की अदायगी करने। और बाहर काफ़ी ज़्यादा खामोशी है, सन्नाटा हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग नमाज़ पढ़ने जा चुके हैं। और अब मैंने फजर की नमाज़ को अदा करना है, जल्दी से मैं नमाज़ को अदा कर लेती हूँ। और फजर के अंदर अगर हम अल्लाह पाक से सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआएं कबूल होती हैं। और रमज़ान का महीना है तो इसके अंदर तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ कबूल होती हैं। तो आप लोग भी नमाज में और अपनी तरावियों में और ज़िक्र में इजाफ़ा करें और अल्लाह पाक के साथ ज़्यादा टाइम दें। और मैं यही कहूँगी कि महीने को ज़ाया ना करें, अल्लाह से करीब हो जाएं। और जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। फिर आज का हमारा व्लॉग बस यहीं तक था, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त इंशाल्लाह। ये हमारा सैरी का व्लॉग था और नेक्स्ट व्लॉग हमारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इफ्तार का मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर शेयरिंग।